दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं थारपे पोर्टल के बारे में। अगर आपके पास पहले से कोई शॉप या दुकान है तो आप थारपे की आईडी लेकर अपने कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको मोस्टली काफ़ी सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे AEPS हो गया, आधार रिन्यूअल पेमेंट सिस्टम, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी ऑप्शन आ गया है। इसमें आपको मिनी ATM मिलेगा, MATM, जिसके जरिए आप किसी के डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अब और भी दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिलेंगी जो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊं। इसके पहले दोस्तों मैंने AEPS पोर्टल पर काफ़ी वीडियो बनाई है। ये पोर्टल दोस्तों जो थारपे मैंने आपको बताई है, ये काफ़ी ट्रस्टेड है। आप इसकी अगर आईडी लेते हैं तो आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पर डे आप 60,000 रुपये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी 60,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। ये बड़ी खास बात है दोस्तों, अभी तक कोई कंपनी ने इतना जो है तो विड्रॉल ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ज़्यादातर आपको ट्रांजेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होता है। और इसमें SBI में आपको 60,000 रुपये पर डे लिमिट दिया है, 60,000 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं थारपे के बारे में, कि थारपे पोर्टल पर आपको कैसे वर्क करना है, इसकी अगर आप आईडी लेना चाहते हैं तो आप आईडी कैसे ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा आप रिटेलर कैसे बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर बन जाएंगे तो आप रिटेलर खुद से क्रिएट कर लेंगे, तो आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको पोर्टल पर लॉगिन करके दिखाऊंगा इसका पोर्टल कैसे, इसका डैशबोर्ड आता है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत है, तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं थारपे की वेबसाइट पर। इसकी वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में आपको सर्च करना है थारपे.com। तो आप थारपे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है द बिजनेस सॉल्यूशन PVT लिमिटेड। ये कंपनी गवर्नमेंट में द बिजनेस सॉल्यूशन PVT लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है और इन्होंने अपना वेबसाइट और एप्लीकेशन थारपे नाम से चालू किया है। तो जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर थारपे के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट चैनल मिलेगा, बिल पेमेंट का, ट्रेवल पेमेंट का, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, सेल्फ पॉइंट, जियो फोन, रिचार्ज बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस पोर्टल, DTH कनेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे आपको सर्विसेज मिलेंगी। सर्विसेज की यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि AEPS मिलेगा, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड के जरिए किसी के खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और आधार कार्ड के जरिए किसी के खाते में पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भारत पे मिलेगा, भारत QR कोड भी मिलेगा, बिल पेमेंट का सिस्टम। ये जितने भी पेमेंट होते हैं दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि NFC के द्वारा होता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बैंकिंग कार्ड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपको मिनी ATM मिलेगा। मिनी ATM के थ्रू आप किसी के कार्ड को स्वाइप करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। UPI ID के थ्रू आप यहाँ पर पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है, डिजिटल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम मेन चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको POS डिवाइस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इनका बताया गया किस तरह का आपको मशीन मिलेगा, इस तरह का मशीन मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक कार्ड रीडर रहेगा, कैमरा रहेगा, स्मार्ट कार्ड, फिंगरप्रिंट। यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। एक ही डिवाइस में आपको थर्मल प्रिंटर भी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर MATM अलग और थर्मल प्रिंटर अलग रखती हैं, तो वहां पर आपको दो चार्जेस देने पड़ते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि 5,000 का MATM रहता है लमसम और 5,000 का आपका थर्मल प्रिंटर रहता है, तो टोटल आपको 10,000 कॉस्ट लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको थर्मल प्रिंटर और MATM दोनों साथ में मिलेगा, एक ही डिवाइस में दोनों वर्क करेगा। ये ब्लूटूथ के द्वारा भी आपका चलेगा, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेमेंट सर्विसेज बताई गई हैं, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। AEPS BBPS वगैरह यहाँ पर है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बताई गई हैं। मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस की सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, लीडिंग की सर्विसेज मिल जाएंगी, यानी लीडिंग यानी कैश कलेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, CMS का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसी वेबसाइट पर इतना ही बताया गया है कि इतना आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने सर्विसेज बता दी है, अब चलिए आपको बता देते हैं कि कमीशन आपको कितना मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं AEPS कमीशन की, तो AEPS कमीशन में दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ हैं कि 500 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर आपको कमीशन देती हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा ही कुछ है कि 501 रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे तो 0.04
परसेंट का डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और रिटेलर को 0.16% का है। यहाँ पर दोस्तों आपको फिक्स रहेगा, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में कमीशन आ जाता है और वो कमीशन कम सेट कर देते हैं, तो वहाँ पर रिटेलर काम नहीं करते हैं। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या है कि बाई डिफ़ॉल्ट कंपनी के द्वारा कमीशन सेट रहता है। यहाँ पर मैंने कमीशन का स्ट्रक्चर आपके सामने दे दिया है APS का और MATM का। MATM में भी दोस्तों सेम है, जितना APS में है उतना MATM में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप 8,000 से 10,000 के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को 1.25 रुपये मिलेंगे और रिटेलर को 8 रुपये का कमीशन मिलेगा। यहीं पर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर को 5,000 से 8,000 के बीच में 1.85 रुपये और 7 रुपये रिटेलर को, इस तरह का कमीशन दोस्तों यहां पर डिवाइड किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम आधार पे सरचार्ज की बात कर ले तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन होता है 0.02% और रिटेलर का 0.40% होता है। यहाँ पर 100 रुपये से आपका स्टार्ट हो जाएगा कमीशन, 10,000 तक आप यहाँ पर आधार पे पर सरचार्ज लगता है। उसके बाद DMT का यहाँ पर सरचार्ज की बात कर ले तो DMT में दोस्तों कमीशन है काफ़ी ज़्यादा है। DMT में जो सरचार्ज लगेगा दोस्तों 1% का लगेगा, अगर 2,000 करते हैं तो 20 रुपये लगेगा और रिटेलर को 8 रुपये कैशबैक आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये कैशबैक आएगा। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि DMT पर कितना चार्जेस रहेगा और कितना आपको कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप थारपे की डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर ID कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले में शो कर दिया है 9024184641। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, या ये नंबर मैं आपको पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इन्हें कॉल करके आप थारपे की ID ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप थारपे का एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें कैसे लॉगिन करना है, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों थारपे का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है, थारपे नाम से रहेगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्किप या फिर नेक्स्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। इसको सर्विसेज बता दी जाएंगी जो आप थारपे की ID लेंगे। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप रिटेलर लेते हैं तो यहाँ पर आप रिटेलर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर ID डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल के आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे, परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे, यहाँ पर कुछ रहेगा, इसको आप क्लोज कर देंगे। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा दोस्तों। बहुत सारे कंपनियों में ऐसा होता है कि आपको एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको BBPS, MATM वगैरह सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर दी गई हैं, जो यहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। आधार पे है, MATM है, मनी ट्रांसफ़र है, रिचार्ज बिल पेमेंट का है, APS पेमेंट है। APS पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट। यहाँ पर दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट बहुत कंपनियों में ऐसा होता है कि आपको कुछ ही बैंकों का मिलता है। थारपे में सभी बैंकों का आपको मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी मिल जाएगा, इसके साथ ही कैश विड्रॉल भी मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों 60,000 रुपये आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और ICICI बैंक में 60,000 विड्रॉल कर सकते हैं, पर डे का लिमिट है। बहुत सारे बैंकों में होता है कि स्टेट बैंक का विड्रॉल देते ही नहीं है, या फिर देते हैं तो 10,000 ही लिमिट रहता है, लेकिन थारपे में 60,000 रुपये लिमिट है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आधार पे का। आधार पे में दोस्तों आप 50,000 निकाल सकते हैं और APS से आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सर्विसेज की अगर बात कर लें, चार्जेस की, सर्विसेज का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग चार्ज करती हैं, लेकिन थारपे में आपको 250 रुपये में पूरी सर्विस मिल जाएगी। आधार पे के साथ MATM का सर्विस मिल जाएगा, अगर MATM आप लेते हैं तो MATM आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बिल पेमेंट है, मनी ट्रांसफर है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको मिल जाएंगी। थारपे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की भी सर्विस ला दिया है, काफ़ी ज़्यादा अपने कस्टमर के लिए यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राइट साइड में 3 लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विशेष ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप रिटेलर भी बनते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कमाते हैं वैसे आप कमा सकते हैं। किसी दूसरे को अगर आप रिफ़र कर रहे हैं ID लेने के लिए तो यहाँ पर रिफ़र एंड अर्न पर क्लिक करेंगे, उनका नाम मोबाइल नंबर डालेंगे, रिटेलर लेना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर वो रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो 50 रुपये इस रिफरल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका वैलेट में आएगा, जितना भी आप पेमेंट करते हैं तो आपके वैलेट पर पेमेंट आएगा, उसे अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपने वैलेट को अमाउंट को IMPS या NEFT के थ्रू अपने वैलेट अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप थारपे की डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर ID लेना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, उस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं 0094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।